हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन में आपने आवेदन कर दिया है, आपके फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? काफी कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मैसेज आ गया है कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत कम तादाद में है एक्चुअली। तो रिजेक्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि आपने बिना नोटिफिकेशन पढ़े हुए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब जैसे ये फीमेल की वैकेंसी है कि स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल। अब यहाँ पर कॉबलर की सिर्फ तीन ही वैकेंसी है, और वो तीन वैकेंसी किस स्टेट की है? एक बिहार की है, एक महाराष्ट्र की है और एक उत्तर प्रदेश की है। अब आप ये बताइए कि राजस्थान की यदि कोई फीमेल कैंडिडेट ने कॉबलर से यदि फॉर्म फिल कर दिया है तो उसका फॉर्म क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिजेक्ट होगा। जो प्रीलिमिनरी रिजेक्शन के जो मैसेज आ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं। टेलर में दो ही वैकेंसी है, जो कि एक उत्तर प्रदेश की है और दूसरी जो है वो वेस्ट बंगाल की है। अब उसके अलावा यदि किसी भी स्टेट की किसी फीमेल कैंडिडेट ने इन दोनों के अलावा, अब इसमें भी ये वैकेंसी क्या है, यूआर की, यदि यूपी की भी कोई एसटी एससी या ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट ने टेलर से फॉर्म फिल किया है और एज 1 अगस्त 2021 को 23+ हो जाती है, या एसटी कैंडिडेट है और उसने हाइट जो है वो 157 से कम है उसकी, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। कुक की यदि हम बात करें तो देखिए, कुक में हम एसटी में बात करें तो एसटी में सिर्फ एक पद है, और वो किस स्टेट को मिला है? वो मिला मध्य प्रदेश को। इसके अलावा एक पद मिला है, कौन से स्टेट को मिला? उड़ीसा को मिला, और दो ही पद एसटी के हैं। अब कल भी हमें एक एसटी उत्तर प्रदेश की फीमेल कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि सर मैंने आवेदन कर दिया है। तो अब हमने उसको पूछा कि ठीक है, आपने आवेदन कर दिया है, आपके कुक के वहां पे एक पोस्ट जो है यूआर की है, आपकी नहीं ओबीसी सॉरी ये मत उत्तर प्रदेश, तीन पोस्ट हैं यूआर के। अब हमने उनको पूछा कि आपकी हाइट कितनी है? उन्होंने कहा सर मेरी हाइट 157 प्लस है, और एज कितनी है? तो कहा कि एज तो मेरी अभी भी 22 साल नहीं हुई है। तो हमने कहा, उनको बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जनरल में काउंट हो सकते हैं, लेकिन यहां एक गलती उन्होंने कर दी, क्या कि फी पे नहीं किया है। अब फी पे नहीं किया है तो वो फॉर्म जो है वो जनरल में काउंट होना बड़ा मुश्किल। तो ऐसी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसे ही यदि हम आपको मेल कैंडिडेट का यहां दिखाएं, अब हरियाणा की एक फीमेल कैंडिडेट ने बार बार से आवेदन कर दिया, तो हरियाणा का यदि हम देखते हैं, ये देखिए ये हरियाणा है और हरियाणा की बार बार में जीरो वैकेंसी है, तो उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजेक्ट होने का सबसे बड़े कारण, रिजेक्ट होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वैकेंसी नहीं है और आपने आवेदन कर दिया। वॉशरमैन की यदि हम बात करें, मेल कैंडिडेट की, वॉशरमैन के अरुणाचल प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं है। कॉबलर की यदि हम बात करते हैं, जीरो वैकेंसी है कॉबलर का, यदि किसी ने आवेदन कर दिया। वाटर कैरियर में अरुणाचल प्रदेश की एक वैकेंसी है और वो भी जनरल की है। तो एससी एसटी के जो कैंडिडेट जनरल से आवेदन कर रहे हैं उनको जनरल का जो फी है वो पे करना होगा। यदि उन्होंने फी पे नहीं किया है तो उनको जनरल में शामिल करना उनको मुश्किल है, हमें नहीं लगता। या यदि उन्होंने हाइट में छूट लिया है, ऐसे ही जम्मू के एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी एसटी में आवेदन किया है और एसटी में वैकेंसी नहीं है। यूपी के एक कैंडिडेट ने कुक में आवेदन किया, और कुक में देखिए यहां आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में कुक, ये यूपी का है, यूपी में कुक में कितनी वैकेंसी है यहां हम देखते हैं कि टोटल 147 है, 60 जो है वो है यूआर में, और एसटी में एक ही वैकेंसी है। अब एसटी में एक वैकेंसी है, एक पे 100 200 300 500 1 लाख भी आवेदन कर सकते हैं बिना फी पे किए, यानी फीस में भी एग्जेम्पशन लिया है आपने, लेकिन आपका हाइट यदि 167.5 है और एज आपका 23 से कम है 1/8/2021 को, तो आपको ये एक वैकेंसी नहीं देखनी, आपको ये 60 वैकेंसी देखनी है कि आप जनरल में काउंट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से रिजेक्ट ज्यादा पड़ा, और जो इन सब कारणों की वजह से जो रिजेक्ट हुए हैं उनके पास ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं, रिजेक्शन वाले मैसेज लगभग आ चुके हैं, फॉर्म प्रोसेसिंग में चला गया है,
कई बार क्या होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैसेज नहीं भी आता। अब आपको क्या करना है अगले चरण में, यदि आपका एक्सेप्ट हो गया है और अभी तक एक महीना हो गया मैसेज नहीं आया है, तो आप अपना फॉर्म एक्सेप्ट मानकर अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको 5 दिन पहले आपको कॉल लेटर मिले कि आपका एडमिट कार्ड मिले कि आपको इस तारीख को आपको फलाने सेंटर पर आपको उपस्थित होना है ट्रेड टेस्ट और फिजिकल के लिए और आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो आप मैसेज का इंतजार मत करते रहिए, आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। क्योंकि जिन्होंने ये कॉमन मिस्टेक की थी उनके फॉर्म रिजेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपका कोई गलती भी हो गई है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप उसमें करेक्शन करवा के जब पीटी पीएसटी में जाते हैं उस समय ठीक करवा सकते हैं। और तैयारी के लिए ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टेस्ट के लिए प्रहरी बैच सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए बनाया है, रिटर्न का उसमें कोई मैटर आपको नहीं मिलेगा। ट्रेड टेस्ट में क्या काम होगा, कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या काम करवा के देखा जा सकता है, चाहे स्वीपर हो, चाहे वाटर कैरियर हो, चाहे बार्बर हो, बार्बर में हेड मसाज कैसे करना है। आप प्रोफेशनल बार्बर हैं तो आप प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि आप प्रोफेशनल बार्बर हैं तो भी कुछ चीजें हम आपको वहां पर फॉल्ट ऐसे बताएंगे कि वो आप सिविल में आपको काम नहीं जानते, तो उसके लिए ही प्रहरी बैच बनाया गया है। प्रहरी बैच आप लीजिए और अपनी तैयारी जो है उसको 200% कीजिए। और अभी छूट पर अभी ऑफर है, देखिए कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि इसका कम कर दो, कम करके ही कर रहे हैं भाई साहब, उसमें बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ रही है। अभी सुबह जो है 4 बजे से उठ के और काम जो है अभी आपका पेपर हो गया उसके बाद उसी पर काम चल रहा है और उसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही। तो प्रहरी बैच जो है वो आपकी तैयारी कि कोई हमारा साथी जो है वो ट्रेड में डिस्क्वालीफाई ना हो। रिटर्न सबका बहुत अच्छी तैयारी होती है, फिजिकल बहुत अच्छा होता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट की जानकारी नहीं होती और ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यहां तक कि एक बार्बर जो बार्बर शॉप रन करते हैं वो भी पिछली भर्ती में बार्बर के ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। क्यों हो गए थे कि सर मैं बता नहीं पाया, मैं घबरा गया था। अरे भैया आप तो बार्बर हो, प्रोफेशनल बार्बर हो। कि सर मैं उस समय तो मैं काम सीख रहा था, मुझे इतना काम नहीं आता था, नहीं आता था, डिस्क्वालीफाई हो गए। और क्वालिफाई हो जाते भर्ती हो जाते। अब लेकिन इस बार कि अब इस बार तो मैं काम सीखा और मैंने काम सीख के मैं शॉप भी अपना बना लिया और अभी मैं इस बार फिर आवेदन किया है, मैं तैयारी कर रहा हूं। तो अपनी तैयारी को पूरी तरीके से रखना है। प्रहरी बैच सिर्फ और सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए है। इसी के अलावा इसके साथ हमारे जो सीआरपीएफ के जो कैंडिडेट हैं उनको 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड होंगे, तो सीआरपीएफ का मैटर ज्यादा है। यदि आपने सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों में सेम ट्रेड से आपने आवेदन किया है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप सीआरपीएफ का हमारा कोर्स लें ताकि आपका बीएसएफ भी उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाए। और एसएसबी का जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा रिटर्न होने के बाद में, जब रिटर्न पास हो जाएंगे तो एसएसबी का बाद में आपको मैटर आपके लिए मिलेगा। तब तक बीएसएफ सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ इनकी अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी इस कदर कीजिए कि अपना टारगेट फिक्स करके कि इस बार मुझे छोड़ना नहीं है, इस बार मुझे वर्दी पहननी है। जय हिंद।